वाला ने हुआ, ये एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है कि जो क्रिश्चियन जुल्म बर्दाश्त करे वही अगर आवाज उठाएगा तो वही जुल्म उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। जड़ावाला में जिन लोगों ने किया उनका इल्जाम क्रिश्चियन में लगा दिया गया क्योंकि एहतजाज हुआ। आप क्या जब नहीं मना और एक घंटे से यही बोल रहे, जब वो नहीं मांगा तो उसके खिलाफ ये केस दर्ज कर दिया। खुद अपने को टेक्नोलॉजी पंजाब पुलिस बना रही है। जब पादरी साहब ने बाइबल पे हाथ रख के कह दिया कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ जो लोग पादरी साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं वो भी कुरान शरीफ पे जाके सूरह तौबा पे हाथ रख के और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहे कि पादरी साहब ने गोली चलाई है, जैसे पादरी साहब ने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाई है, वो भी ऐसा करे तो फिर हम मानेंगे। क्योंकि अब ये धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि जड़ाले के वाकये के बाद मुल्क की जड़ें हिल गई हैं और जिन्होंने जड़ें हिलाई है वो अब सुझाने के लिए तरह तरह के इल्जाम कृष्णों पे लगा रहे हैं ताकि जो है दुनिया जो है गुमराह हो जाए और पाकिस्तान की साख बहाल हो जाए। लेकिन जो नफरत आपने सिखाई हुई है, जो नफरत आपने पढ़ाई हुई है, आज आप उसका आज उसको काट रहे हैं आप। इसमें हमारा कसूर नहीं, हम तो आपका बार बार कहते हैं कि इन जत्थों को पकड़े, लेकिन आप इन जत्थों को नहीं पकड़ते। अब जिस पुलिस वाले ने ये तोहीन किया बाइबल के मुताबिक, आप मुझे बताएं अगर उसको आईजी की एसपी की अगर हमारी तनाव थी तो उसकी ये जरूरत होती? आप ये देखे 11 दिन तक उस बेगुनाह को बंद रखा और उस जज ने बजाय उसको जमानत देने के 2 दिन और उसको कस्टडी में बैंकियों के हवाले कर दिया। ये जुल्म है, ये जुल्म है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग कभी भी मीडिया से किसी क्रिश्चियन लीडर के बारे में जो फ्रंट लाइन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी खबर आए तो यकीन ना कीजिएगा, ना मीडिया के ना पुलिस की। क्योंकि पुलिस ने अपने जलाले के बारे में कहा कि ये दुबई जाना चाहते थे, जब हमने आईजी का जवाब दिया तो फिर उसने कहा ये कम एजेंट है, इंडिया के ना के एजेंट है। तो याद रखें ये गुमराह कर रहे हैं। आप लोग अपने लोगों पे तमाद करें। आप अगर पादरी विक्की की बात में यकीन करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे हाल से ना होते, अगर आप मजबूत हो जाए कभी भी आपके लोगों के खिलाफ चले तो उस पर यकीन ना करें। शुक्रिया।